ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है बुधवार का दिन, और ये वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा व्रत कर लिया, बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए, फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। आपको 2268 दूर्वा लेनी होंगी और छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। इन कैसे करना है, उससे पहले वीडियो को लाइक करें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूर्वा, बहुत ज्यादा दूर्वा है, दिख रही है ना। कितनी दूर्वा है ये? 2268 दूर्वा। कहोगे भैया इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा ठीक से समझा दो। देखो, आप क्या करना होगा, जो 2268 दूर्वा है ना, उसको एक साथ नहीं चढ़ाना है, उसको थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ना होगा। कैसे? देखो, यहां पर आपको कुछ दूर्वा की गांठ दिख रही होगी, बंडल दिख रही होगी, दिख रही है ना। ये कितनी बंडल है? ये है 108 बंडल, है ना। आपको भी इसी तरीके से 108 बंडल बनानी है। क्योंकि भैया 108 बंडल तो हम बना लें, लेकिन एक एक बंडल में कितनी कितनी दूर्वा रहेगी ये बता दो। देखो, आपको क्या करना होगा, एक बंडल बनानी होगी, उसमें 21 दूर्वा रखना, दूसरी बंडल बनाओ 21 दूर्वा, तीसरी 21 दूर्वा, यानी कि 108 बंडल जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है, आपको इसी तरीके से बंडल बना लेने हैं छोटे छोटे, और हर बंडल में आपको 21 दूर्वा रखनी होगी, ठीक है। जैसे ये देखो दिख रहा है छोटा सा, इसमें 21 है, इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है, यानी हर एक बंडल में 21 दूर्वा होगी, और कितनी बंडल बनानी होगी, 108 बंडल। बात आई समझ में? यानी कि 21-21 दूर्वा की 108 बंडल बनाना, और उसकी एक आप माला तैयार कर लेना, ठीक है। माला तैयार किया, और बुधवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, कब? बुधवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लेके जाओगे किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में। इस उपाय को घर पे नहीं करना है ना। कहाँ जाना है? भगवान गणेश के मंदिर जाना। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके विशेष है, बहुत दिनों से अधूरी है, परेशान हो, उस कामना से उनके गले में उस 108 दूर्वा की जो बंडल आपने तैयार की है, 21-21 दूर्वा की 108 बंडल, उसकी माला भगवान गणेश के गले में पहना देनी है। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, इस बात को मत भूला करिए। तो अगर आप ये वाली माला पहना देते हैं, सारी इच्छाएं जो हमारे विघ्नहर्ता हैं, जिनको हम बोलते हैं सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं, वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा जरूर करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ हमें बुधवार के दिन करना है, और किसी भी दिन इस उपाय को आप नहीं कर सकते, ठीक है। कोशिश की, बहुत ही छोटी वीडियो मैंने बनाई है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।